अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू लेक्चर। इसमें हम देखेंगे अपने यूनिट नंबर वन में हमने, जैसे आपको पता है हमने यूनिट नंबर वन में 1.7 से स्टार्ट किया था। 1.7 में या 1.8 को देख लें तो हमने इसमें रिव्यू अपने लेक्चर्स में बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसी का ही मैं ओवरव्यू आपको दूंगी। बोर्ड मार्क्स रूल, जैसा कि आपको पता है बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी ओ स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसी के रूल को फॉलो करके हम अपने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे 1.7, 1.8। 1.7 का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है, 5 × 15 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 3 + 49। सबसे पहले हमने 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ में ब्रैकेट्स ऑफ सो है, इसलिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया। 5 × 5 = 25, 2 ऊपर कैरी, 5 × 1 = 5 और 2 = 7। 75 / 3 + 49। अब आ जैसे कि आपको यहाँ पे एडिशन से पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। अब हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। 75 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपके पास, ये देखें मैंने डिवाइड भी साइड पे किया हुआ है, आंसर आपके पास आया 25 पे। अब लास्ट में हम एडिशन करते हैं, +49। जब 25 में 49 को प्लस किया तो 74 आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था आपके चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा रिव्यू। अब देखते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या किया। जी स्टूडेंट, अब हम रिव्यू लेंगे अपने यूनिट नंबर 5 का। इसमें हमने सबसे पहले देखा था रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ लेंथ। इसमें हमने रिलेशन देखे थे 10 mm = 1 cm, 100 cm = 1 m, 1000 m = 1 km। इसी तरह इसका रिजल्ट हमारे पास निकलता है 1 m = 100 cm = 1000 mm। ठीक है, इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कन्वर्टिंग के। कन्वर्ट किया, देखे फर्स्ट पे 9 km = m, ठीक है, 9 km = m। आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 1000 किया तो 9000 m आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मेरे एग्जांपल आपको करवाई है 1100 m = 2 km। अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने 1100 को डिवाइड किया है 1000 पे, क्योंकि 1000 m इक्वल होता है 1 km के। जब 1100 को डिवाइड किया 1000 पे तो आपके पास देख लें, आपके पास 1 km और 100 m आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसी तरह आपने बाकी एक्सरसाइज भी की थी, कुछ प्लस की थी, कुछ माइनस की थी, और आपने इसी तरह मिनट्स का भी देखा था। स्टूडेंट, इस तरह आपने अपने 5.5 में मिनट्स और सेकेंड्स और आवर्स का कॉन्सेप्ट देखा था। देखें यहाँ पे 1 hr = 60 minutes, 1 minute = 60 seconds, 1 week = 7 days। इसी तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको करवाया है 4 hrs 2 minutes। यहाँ पे देख लें बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 60 से। 4 को मल्टीप्लाई किया जब 60 से तो 240 minutes आपके पास आंसर आ गया। कन्वर्ट नेक्स्ट है 1200 minutes to hours। अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 1200 को डिवाइड किया जब 60 पे, 20 hrs आगे बाद इसके पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम इसका रिव्यू लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 का। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपने यूनिटरी मेथड किया था। यूनिटरी मेथड क्या होता है, द प्रोसेस फाइंडिंग द वन यूनिट आइटम के, किसी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी आइटम की वन यूनिट आइटम की प्राइस या अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है, प्राइस ऑफ पेन 20, हमने फाइंड आउट करनी है प्राइस ऑफ 6 पेन।
इस तरह के प्राइस हो 1 पैन 20, प्राइस हो 6 पैन, जब हमने फाइंड आउट किए 20 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 120 आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता था कि अगर आपको कहते हैं 6 पेन की प्राइस 120 है और आपने 1 पेन की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो 120 को आप डिवाइड करते 6 पे तो आता आपके पास 20। इस तरह ये दोनों सूरत में आपके पास क्वेश्चन आ सकता था। नेक्स्ट हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा रेशो का। रेशो क्या होती है? अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, के कंपैरिजन होता है दो एक जैसे क्वांटिटीज को, इसको डिनोट करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने टू डॉट, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, इस साइन से इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। टू रेशियो में इक्वालिटी हो तो हम क्या करते हैं इसको, इस ये प्रोपोर्शन इस साइन से भी डिनोट करते हैं, इक्वल के साइन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके हमने पूरी एक्सरसाइज की थी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की। ध्यान से सुने डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। वन क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो एट अ सेम टाइम अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। अदर अगर इसकी दो सूरतें होती हैं, अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी तो ऑन द सेम टाइम अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, ठीक है। इसके दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करती हैं, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा था इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूवमेंट होती है, अगर एक ईस्ट की तरफ जाता है तो दूसरा साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा होता है। देखें अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज ऑन द सेम टाइम अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, कि एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर एक डिक्रीज हो रही होगी तो दूसरी एट द सेम टाइम इंक्रीज हो रही होगी, कि ये आप सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते हैं। यहाँ ये आपका 6th चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। अब देखें हम 7th चैप्टर का ओवर रिव्यू। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 का रिव्यू। इसमें आपने एंगल्स ज्योमेट्री का चैप्टर था, एंगल्स को देखा था। सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल को देखा था। एक्यूट एंगल क्या होता है? स्मॉलर देन 90, 90 से जो छोटा एंगल होगा वो एन एक्यूट एंगल होगा। ये देखिए मैंने आपको दिखाया भी हुआ है। उसके बाद था राइट एंगल। राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, ये 90 का एंगल है। और इसके बाद था ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल होता है बिल्कुल एंगल ऑफ 180, ये देखें एंगल 180 है। रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180, तो ये देखें रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके बताया है। इस तरह आपने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट भी फाइंड आउट करना था। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम करेंगे अपने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, के दो एंगल्स है उसका सम 90 के इक्वल है आपके पास, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए 30 एग्जाम्पल, 60 को ये 30 हमें दिया हुआ है। अब वो 30 पे हमने क्या ऐसे डिजिट प्लस करेंगे जो 90 होगा, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सप्लीमेंट। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू सप्लीमेंट होता है। देखें 60 दिया हुआ एग्जाम्पल, अब इसमें कौन सा ऐसा डिजिट कौन सा ऐसा एंगल प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। 120 जब हमने 60 में प्लस 120 किया तो 180 इसका सप्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे अगर रिव्यू लेक्चर ख़त्म हो